हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक ऐसी वीडियो होगी जिसे आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए एक गाइडेंस होगी, अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। वैसे ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। चले विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट मैसेज ऑफ द डे। पहले टैरो से मैसेजेस चेक करेंगे, उसके बाद स्टार साइन से ज़ोडियक साइन और गाइडेंस देंगे, ड्यूरेशन चेक करेंगे और फिर एंजल नंबर से गाइडेंस लेंगे। मैसेज ऑफ द डे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे, फंडे, हसल बसल, 10 of Wands। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, एस ऑफ सोर्ड्स, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑलराइट, ओवरऑल एनर्जी में आई कैन सी कि आपकी तरफ किसी की आज ऑफर आएगी, कोई कॉल, टेक्स्ट, छोटा सा, एक ऐसे पर्सन की तरफ से जिसका आपको बिल्कुल भी गुमान नहीं है, या फिर कोई ऐसी बात या ऐसा घर में वाकया हो सकता है। ओके, आप काफ़ी दिनों से किसी को कुछ समझाने के लिए कम्युनिकेट कर रहे थे, जो काफ़ी इंसान जो है वो हर वक्त आपको या तो दो गोलियां दिए चले जा रहा था, हर बात पे कोई ना कोई गोली, जगलिंग, कन्फ्यूजन, समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। आप काफ़ी हद तक आपने कम्युनिकेट करके इस पर्सन को समझाई है बात, लेकिन हमेशा से आपको कुछ समझ नहीं आता था कि इनको किस तरीके से अकल ठिकाने इनकी लगाई जाए। हर वक्त एक क्रॉस रोड फीलिंग। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद आज आप उसको बिल्कुल दो टोक जवाब देंगे या कोई चीज़ ऐसी ऑफ़र करेंगे, भाई टेक इट और लीव इट। अदर देन दैट ये कोई और भी हो सकता है जो आपकी तरफ है, लेकिन ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो आप किसी चीज़ को आज डिस्कस करते हुए, शेयर करते हुए, किसी को कुछ देते हुए नज़र आ रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ एनी ऑफ़र, कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई रिवॉर्ड नहीं होता, बट ओवरऑल आपकी ऐसी एनर्जी है। और ज़्यादातर जो है वो नाइट, पेज और एस की है। चले एस ऑफ वॉन्ड्स तो फिर भी बहुत अच्छा है, बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स जो है वो बहुत ही टेम्पररी एनर्जी होती, इतनी परमानेंट और इतनी सिग्निफिकेंट एनर्जी नहीं होती। इसको आप बहुत कंसिस्टेंट एनर्जी आज के लिए नहीं कह सकते। तो पेज ऑफ कप से भी अगर आपको किसी को सॉरी कहना होगा तो आप बिल्कुल ऐसे सरसरी तौर पे कह देंगे कि ये वक्त की रिक्वायरमेंट है, इसलिए कहा जा रहा है, वरना इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसकी वजह से माफ़ी मांगी जाए। दूसरा ये भी है कि आप किसी के साथ अगर आपने सख्ती से रवैया अख्तियार किया है तो उस वक्त तो आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन अगर किसी और को ये चीज़ बहुत गलत लग रही है लेकिन है ये उनके फ़ायदे की। तो एक तो आपको ये विद द पेज ऑफ कप्स एक सॉरी कह लीजिए, एक ऑफ़र कह लीजिए, एक ओवरऑल एनर्जी में ऐसा है कि आज आप किसी को जो कुछ मैंने बातें बताई, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द मैसेजेस ऑफ द डे, बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि मैसेज ऑफ द डे में रोज़ाना, तकरीबन रोज़ाना 10 of Wands आ रहा है। या तो आप अपना पास्ट का बैगेज जो है वो इतना ज़्यादा कैरी कर रहे हैं कि आप कुछ जिम्मेदारियों से और कुछ कामों से खुद भी निकलना नहीं चाहते। आप कुछ चीज़ों को जानबूझ के अपने सीने से लगा के बैठे हैं। अब या तो जिम्मेदारियां हैं या ये माजी की कोई चीज़ें हैं जिसको आपने बहुत हद तक अपने आप से जमा जोड़ किया हुआ है, अपने आप को रीअलाइन करते हुए आज नज़र आ रहे हैं। आज आपको बहुत सारे कामों में से किसी चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आपने जो चीज़ की, जिस तरीके से की, जिस लिहाज से की, जिस तौर पे की वो बिल्कुल ठीक है, और आपको बिल्कुल क्लियर लगेगा कि ओके दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन और ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक है। आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि ये चीज़ इसी तरीके से होनी चाहिए थी। नाउ कमिंग बैक टू द फीलिंग्स, कोई पर्सन आपकी लाइफ में डिसीजन को लेकर, मिजाज को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन एंड आउट सिचुएशन पर रहता है। कहीं ना कहीं से उसकी हर वक्त की कोशिश होती है कि किसी तरीके से अपने जज्बात को बताए, फिर कभी उसका मूड स्विंग हो जाता है। आज किसी एक ऐसे इंसान को जिसके टेम्पररी मूड स्विंग्स होते हैं उसको भी कोई एक बहुत अच्छी बड़ी क्लैरिटी मिलेगी जिससे ये क्लियरली पता चल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड जी, अजान हो रही थी इसलिए मैंने ब्रेक लिया था।
आज आपको एक क्लियरली पता चल जाएगा कि इस इंसान की ये जितनी भी फीलिंग्स हैं वो टेम्पररी हैं या वो परमानेंट हैं। मुझे इसका कंटिन्यूएशन काफ़ी हद तक यहाँ से भी नज़र आ रहा है, बिकॉज़ ये दोनों एनर्जी परमानेंट या कंसिस्टेंट नहीं है। इनके मूड स्विंग्स और इनका आना जाना मुस्तकिल लगा रहता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको ख़ुद भी महसूस हो रहा था कि आप क्लियर नहीं हो पा रहे, कि आपकी फीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप किसी के लिए कुछ ज़्यादा फील कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ ज़्यादा फील नहीं कर रहे। दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू यू नो एनर्जी से रिलेटेड ये बात है। तो आज आपको अपने भी मिजाज से कोई एक क्लैरिटी मिलेगी कि आप इतने दिनों से किस बात की कन्फ्यूजन में थे, किस बात की वजह से आपको एक अजीब सा, एक खिंचाव सा और एक मिजाज में सख्ती सी महसूस होती थी। आज आप बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल आपको एस ऑफ सॉर्ट्स से एक क्लैरिटी मिल जाएगी और आज आप कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे। ये ज़रूर बात सुन लीजिएगा कि आज आप कोई डिसीजन लेंगे। अब वो डिसीजन मिजाज के मुताबिक हो सकता है, वो जिम्मेदारियों को बांटने का हो सकता है, वो किसी को माफ़ी करने का हो सकता है। इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। बट सेंटर में आपकी एनर्जी क्लियर है, नीट है, ट्रांसपेरेंट है, डिसीजन लेने वाली है। एंड डेफिनेटली ये आपके मूड स्विंग से रिलेटेड भी हो सकती है, ये मल्टीपल जिम्मेदारियों से रिलेटेड भी हो सकती है। कुछ ऐसे काम जो आपको लग रहा है आपके हिस्से के नहीं, आप वो कर रहे हैं, आप बिला वजह में अपने माजी में फंसे हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे और आपको फजूल में किसी ना किसी बात की कोई परेशानी लाहक हुई भी है, ठीक है। उसके लिए आपको आज बिल्कुल क्लियर जवाब मिल जाएगा। या तो आप ख़ुद किसी से सॉरी करके मामला रफा दफा करेंगे, या फिर आप लिटरली किसी के साथ कुछ, कोई आपसे कुछ ना कुछ डिस्कस ज़रूर करेगा। नाउ लेट्स सी, नंबर फोर, थर्सडे। थर्सडे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। हो सकता है थर्सडे को कोई आपसे बात करे। दिस थर्सडे 4+9, 4+5 9, 5 days में या 4 days में। थर्सडे आज के हिसाब से 4 days में आ जाएगा। और अगर ये चीज़ कल से डेवलप हो गई थी तो हो सकता है फ्राइडे तक आप कोई ना कोई चीज़ कर ले। हो सकता है कोई आपसे इस तरह का क्वेश्चन करे जिस पे आपको अपना व्यू पॉइंट रखने की ज़रूरत हो, लेकिन आप अपनी जगह पर खड़े रहिएगा, आप अपने पॉइंट पर खड़े रहिएगा, पीछे मत हटिएगा अपने पॉइंट से। फॉलो योर एनर्जी। जब ये सिचुएशन आपके सामने बाय थर्सडे आएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने किस बात पर अपना स्टैंड लेना है, क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं कहनी। सो बी कॉन्फिडेंट, डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद इसी वजह से कि आप बहुत सारी चीज़ें अकेले हाथ से करते आ रहे हैं, आप कोई ना कोई फैसला ऐसा करेंगे जिसमें अगला हो सकता है आपको दबाने की कोशिश करे, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना। आप अपनी जगह पर खड़े रहिए, अपना डिसीजन, अपना ओपिनियन उसको ओन करें और अपनी गट फीलिंग को और अपनी एनर्जी को फॉलो करें, ठीक है। अक्सर ये होता है कि जब फैसला कर लिया जाता है उसके बाद प्रॉब्लम्स उठती हैं कि नहीं ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, हमसे बस मशवरा करना चाहिए था। सब कुछ सिर्फ गॉसिप का पार्ट बनना होता है, वरना इन दी एंड सब यही पूछना चाह रहे होते हैं कि काम करके दिखाइए, बात करके दिखाइए। चलिए जनाब, लेट्स सी, लेट्स सी। मैसेज ऑफ द डे में एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है? मैसेज ऑफ द डे में एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है? मैसेज ऑफ द डे में एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है? 999, आई एम यूनिक। 999 इज अ नंबर या 9 नंबर, ऑलमोस्ट समथिंग अबाउट कंप्लीशन का नंबर होता है। थैंक द पास्ट फॉर योर लेसन्स एंड लीव इट। मैंने कहा था पास्ट बैगेज को आप कैरी करके चल रहे हैं। वेयर इट बिलोंग्स, जहाँ पर जो चीज़ें जिस तरह की हैं। So you can make the best of the life that is still waiting to be fulfilled by only you. Past में रहना छोड़ दीजिए, माजी की बातों को सोचना छोड़ दीजिए। बस एक बात याद रखिए कि जिन जिन लोगों की बातों को, जो कि माजी का पार्ट बन चुके हैं, उनको, उनकी बातों को, उनकी हरकतों को जब आप आज अपने साथ अपने सीने से लगाकर चल रहे हैं, तो क्या उनकी ज़िंदगियों में कोई रुकावट आ रही है? उनकी ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं आ रही। उनके यहाँ भी दिन रात शाम सुबह दोपहर सब हो रही है। वो भी आपको अपनी लाइफ के किसी भी खुशी में, किसी गम में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप किसी की, किसी के भूल जाने से, किसी के भुला देने से अगर तकलीफ़ में हैं, रो रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं, तो आपके रोने की बात उस तक पहुँच नहीं रही। और जो पास में आपको जितने भी मैसेजेस मिले हैं, जितने भी लेसन्स मिले हैं, उनका शुक्रिया अदा करें।
और उनको उसी पिंडारा बॉक्स में डालकर कहीं दूर फेंक आएँ जहाँ वो बिलोंग करते हैं। बिकॉज आप आज के मोमेंट में जिए, क्योंकि आज के मोमेंट में आप जीकर जो अपने लिए फ्यूचर के लिए जो बनाएंगे वही सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, एंड टेल योर सेल्फ दैट यू आर यूनिक। कि नहीं, किसी लोग कुछ लोगों ने अगर आपकी कदर नहीं की तो ये उनका नुकसान है, आपका नुकसान नहीं है। तो बी योर सेल्फ, छोड़ दें माजी की तल्ख यादों को उस, और सिर्फ उन चीज़ों को याद रखें जिन्होंने आपको अच्छे सबक दिए, जिनकी बुनियाद पर आज आप अपना आज दुरुस्त कर सकते हैं और कल अपना खूबसूरत बना सकते हैं। तो अपनी अफर्मेशंस में आज एक और स्टेटमेंट ऐड कर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम एक्सप्रेसिव, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम यूनिक। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।